लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या चीज है। लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो लाइट को या तो डाइवर्ट करता है या कन्वर्ट करता है। डाइवर्ट का मतलब ये है कि वो या तो लाइट को फैला देता है या लाइट को कन्वर्ट करता है, यानी कि लाइटों को लाइट जो किसी चीज से आ रही है, यानी रोशनी की शुआ जो किसी इल्यूमिनेटेड सोर्स से आ रही है, उन्हें कन्वर्ट कर देता है, उन्हें आपस में मिला देता है और उन्हें कन्वर्ट या डाइवर्ट करके हम लोगों को इमेज बनाकर इमेज बनाने में मदद करता है। दैट्स व्हाई हम लोग जो है वो कन्वर्ट लेंस या कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। लेंस की दो टाइप्स हैं, एक कनकेव लेंस और एक कन्वर्ट लेंस। अब इनकी भी मजीद टाइप्स हैं, जैसे कि ये कन्वर्ट लेंस है। ये कन्वर्ट लेंस ऐसा लेंस होता है जो कॉर्नर से जरा थोड़ा सा बारीक होता है और दरमियान से थिक होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये कन्वर्ट लेंस। कन्वेक्स लेंस तीन किस्म के होते हैं। अगर तो कन्वेक्स लेंस इस तरह से होगा ना कि दरमियान से बिल्कुल ही कटा हुआ हो तो हम इसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा थिकनेस हो इस तरीके की तो हम इसे डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और अगर इस तरह से हो यानी कि थिकनेस बहुत कम हो वाइनी हो सी हो इस तरीके की तो फिर हम इसे सिंगल कन्वेक्स लेंस कह देते हैं। इसी तरह से अगर इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो तो इसे कन्वेनो कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये कनकेव है, ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में जो होता है इसकी जो साइडें हैं, साइड होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, दरमियान से बहुत ही पतला होता है, थिक सा होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है जिसमें ये कटा हुआ होता है साइड से इसे प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं, और इस तरह से जो पार्ट होता है इसे डबल कनकेव लेंस कहते हैं। और इस वाले लेंस को जिस तरह का लेंस इस्तेमाल किया जाता है इसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस कहते हैं। तो ये लेंस है कि किस तरीके से काम करते हैं। ये लेंस की दो टाइप है, ये कनकेव लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस है, और मजीद इनकी भी टाइप है तीन तीन की, किस किस किस्म के होते हैं। पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इन लेंसेज को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। हम इन लेंसेज को मुख्तलिफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिन्हें हम बाजारी आँख से ना देख सकते हो या हमें आँख से देखने में थोड़ी सी दुश्वारी महसूस होती हो, डिफिकल्टी महसूस होती हो, तो हम लोग क्या करते हैं हम उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर उन जैसे कि आपकी ग्लासेस वगैरह हैं, आपकी माइक्रोस्कोप वगैरह होती हैं, उनके अंदर आपके कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये जो लेंसेज होते हैं ये रोशनी को इस तरह से फोकस करते हैं कि या तो वो डाइवर्ट कर जाए, यानी कि यहाँ से ये डाइवर्ट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं और इमेज बनाते हैं, तो वो इमेज जो है वो आपको हेल्प आउट करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो इसलिए हम लोग जो है ये कन्वेक्स या कनकेव लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं। लेंस के काम करने के तरीके को जानने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कनकेव, अगर कनकेव की बात की जाए तो कनकेव लेंस फार्मूला होता है, अगर कन्वेक्स की बात की जाए तो कन्वेक्स लेंस फार्मूला होता है, यानी इनका एक अपना फार्मूला होता है कि जिससे हम इनके काम करने को समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। उस कनकेव लेंस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी फोकस, उसका जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बना है, उसका इमेज किस तरीके का बना है, और इसके अलावा उसकी फोकल लेंथ वगैरह वगैरह हम इन फॉर्मूलों को यूज करके बना कर बता सकते हैं। जैसे कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट जो है लाइट की रेस इमिट हो रही है, यानी कि लाइट की रेज इसमें से गुजर रही है। लाइट की रेज जब इससे पास होती है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो लेंस है उसमें और मिरर में यही तो डिफरेंस है कि मिरर जो है वो लाइट की रेज को रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो लेंस है वो रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी अपने अंदर से पास होने देता है। जब लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए से इसके अंदर से गुजरती है तो यहाँ से इसकी फोकल लेंथ एफ से होती हुई पॉइंट ए डैश पे चली जाती है, और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस का जो सेंटर होता है इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसके अलावा तमाम रोशनी की रेस जो लेंस में से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पर फोकस हो उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस था, रोशनी की रेस यहाँ पर आई, शुआ यहाँ पर आई लाइट की रेस की, और इसके अंदर से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर आपस में मर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट जहाँ पर रोशनी की जो रेज है आपस में इकट्ठी होती है एक ही पॉइंट से गुजरे और गुजरने के बाद चाहे वो फैल जाए या ना भी फैले, तो उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे वो एक दफा इकट्ठी हो जाए उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये फोकल पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर यानी इसकी इस
लेंस की सेंटर यानी इसका जो सेंटर होता है इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस का हो या कॉनकेव लेंस का हो। और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट तक का जो फासला होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आगे इतना काम शुरू करते हैं कि हमारी जो रोशनी की रे है वो पॉइंट ए से आई और प्रिंसिपल फोकस से होती हुई ए डैश पे पहुंच गई। दूसरी रे आई और वो सेंटर से गुजरती हुई एक पॉइंट पर मिली और वहां जाके उन्होंने इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बना दिया जो कि बी डैश ए डैश है। अब इस चीज से हम लोग फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए तो इस डायग्राम में आपको कुछ ट्राइंगल से नजर आएगा और एक और बात आपको मालूम होगी कि ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी हमारा सेंटर जो है लेंस का सेंटर लेंस के सेंटर और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये सी। और इमेज और प्रिंसिपल ये जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी सी इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्यू। इस तरीके से ये पी हो जाता है और ये हमारा क्यू निकल जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो आपको इस पूरी की पूरी डायग्राम में कुछ ट्राइंगल नजर आएंगे जिसकी एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये आती है जिसे जिसे यहाँ पे ले जाना चाहिए। ये ट्राइंगल हमारे पास ए बी और सी है और इसके अलावा दूसरी ट्राइंगल हमारे पास जो है वो ये भी बन रही है जिसे ए बी एफ कह देना चाहिए। दूसरी ट्राइंगल जो है वो हमारी सी डैश बी डैश और एफ है। इसके अलावा एक ट्राइंगल हमारी ये आती है जो कि F इसे यहाँ पे एक देना चाहिए C D और F है। और हमारी जो चौथी ट्राइंगल है वो ये वाली ट्राइंगल है जो कि इसे मैं B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि C D डैश और A डैश है। ये कंप्लीट ट्राइंगल हमारी फोर्थ वन ट्राइंगल है यानी कि इस पूरी की पूरी डायग्राम में हमें चार ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं। ये B डैश C और ए डैश है ये कंप्लीट जो है वो हमारी तकरीबन चार ट्राइंगल हमें मिल जाती है इस डायग्राम के थ्रू। अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। एक ये ट्राइंगल सबसे बड़ी है और एक ये ट्राइंगल सबसे बड़ी है। क्यों ना हम इसे कहते हैं कि ये ट्राइंगल नंबर वन है और ये जो ट्राइंगल नंबर है ये फोर है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ट्राइंगल वन में और ट्राइंगल फोर में कंपेरिजन करूँ तो इसलिए इस तरह से करना चाहिए कि ट्राइंगल सी बी सी को मैं कंपैरिजन करने लगी इसका बी डैश सी और ए डैश से। आपको मालूम है कि आपने टेस्ट का थ्योरम पढ़े थे, उन थ्योरम में ये था कि अगर आप किसी दो ट्राइंगल के दरमियान कंपैरिजन करें या उनके दरमियान रिलेशनशिप निकालना चाहें तो आप इस तरह से करते हैं कि आप उसके परपेंडिकुलर को अगर आप उसमें डिवाइड कर देंगे। परपेंडिकुलर की जो रेशियो होती है दो ट्राइंगल की वो बराबर होती है उनकी बेस के रेशियो के। ये कहूँ कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जैसे कि आप इसे देख सकते हैं एक ट्राइंगल हमारे पास दस ट्राइंगल के लिए और ये सी एक ट्राइंगल हमारे पास ये है जिसके ये चीज हमारी जो है ये परपेंडिकुलर है और ये जो चीज है हमारी ये चीज हमारी के साथ रहती है। जो ट्राइंगल वन है उसमें इस तरह से जो कि ए और ये वाला जो है ये यहाँ पर आके सी एंगल बन जाता है सी वाली पॉइंट पे। तो ये वाली जो चीज है पी ए यानी इससे सीधा है और इसमें उल्टा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस हम इन दोनों के परपेंडिकुलर और बेसिक सी रेखा देखना चाह रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सी डैश ए डैश और बी डैश से मैं ए बी को डिवाइड कर दूँ यानी कि मैं बी बस इस तरह लिखूँ कि ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश यानी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसकी जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में ये जो चीज है ए बी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ ही होगी ना। ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर मैं डिवाइड कर दूँ इमेज की लेंथ से तो ये बराबर आ जाएगा जो हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ है ऑब्जेक्ट का जो बेस है यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी डैश इसे हम इक्वेशन सी एम मार्क कर लेते हैं। इसी तरह अब हम ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है हमारी जो कि एक ट्राइंगल है ये वाली जो कि है ए डैश बी डैश और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट था एफ ये से हम मार्क कर देते हैं कि ये हमारी थ्री है हमारी टू है ये हमारी टू है और ये वाली जो चीज है ये हमारी थ्री ये टू और ये थ्री। अब हम लोग अपनी छोटी छोटी ट्राइंगल के दरमियान देखना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ दिखाऊंगी कि ये हमारा पॉइंट सी है और यहाँ पर हमको
सी के ऊपर डी और डी से एफ, यानी ये हमारा डी है और ये हमारा एफ है, ये हमारी चीज जो है ये परपेंडिकुलर है इस केस में, और ये मेरी जो चीज है ये बेस है, इसको बेस कह देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है वो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। इसी तरह जब मैं दूसरी ट्राइंगल देखती हूँ ट्राइंगल नंबर थ्री, तो उसमें ये आपके ए डैश डी डैश और एफ है, उसे इस तरह से कर देना चाहिए कि ये ए डैश डी डैश और ये मतलब पॉइंट आपका जो है ये एफ है इस तरीके से। तो ये चीज हमारी यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और ये चीज हमारी वैसे ही रही जिसे देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर भी हम लोग वही मेथड यूज करें जो हम लोगों ने पीछे किया था, जैसे कि हमारा थ्योरम हमें बताता है कि अगर हम लोग एक वॉल्यूम के ट्रायंगल डी सी एफ का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहें विद ट्रायंगल डी डैश और ट्रायंगल डी डैश एफ और ए डैश के दरमियान, तो हमें यूँ करना चाहिए कि जो हमारे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारी जो थ्री है टू थ्री वाली टू और ये वाली थ्री, तो मुझे अगर मैं ये कहूँ कि सी डी को मैं डिवाइड कर दूँ, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर को इसके परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे ये बताना कहना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर की रेशियोज है इसकी बेसिस के रेशियो के बराबर होगी, यानी कि सी एफ इक्वल टू एफ इनटू ए डैश इस तरीके से। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें डायग्राम पे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए डी है क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी सी नहीं है, कोई हर्ज नहीं पड़ता। अगर लिख लेती हूँ तो देखते हैं हमारे साथ क्या रिलेशनशिप है। तो चले इस चीज को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इक्वेशन ए डैश का, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय ए डैश डी डैश इक्वल टू सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इनटू ए डैश। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इस तरीके से किया ही क्यों, इक्वेशन डी कह देते हैं। आपको मालूम है कि मैथ में हम लोग खासकर फिजिक्स और मैथ में जो है वो आसान ही पैदा करने के लिए सवाल आपको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमें कम से कम कॉम्प्लिकेशन को देखना पड़े। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देखें तो मेरे पास ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश है, और ये बिल्कुल इसी इक्वेशन के बराबर नहीं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन ए है इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है। अगर ये बात है तो मैं इसमें कह सकते हैं कि अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो बी सी डिवाइड बाय दरमियान जो फासला है ऑप्टिकल सेंटर के प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो लेंथ है इसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ कि सी एफ की जगह फोकल लेंथ, उसके बाद ये जो बी और सी है ये हमारा पी है, यानी ऑब्जेक्ट और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग पी कहते हैं। इसी तरह सी और बी डैश यानी इमेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे क्यू कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ कि बी सी जो है वो हमारा पी है और बी डैश सी हमारा क्यू है, तो इन चीजों के बारे में तुम्हें मालूम है, लेकिन ये जो एफ इंटू ए डैश है जो कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं एफ इंटू ए डैश कितना डिस्टेंस है उसके बारे में हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा डिस्टेंस है। बस अब ये चीज हमें मालूम करनी है कि ये चीज क्या है, हमें इसके बारे में भी मालूम चल गया। अब हमें एफ इंटू ए डैश फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमें सी डिवाइड बाय क्यू के बारे में। तो आप ये देखिए कि अब मुझे ये मालूम करनी है कि क्यू और ये जो एफ इंटू ए डैश के दरमियान यानी एफ से लेके ए डैश के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और ये जो बी सी का मतलब था ना, बी सी का मतलब यही था, जो मतलब बी सी की जगह सी लिखने का इसका मतलब यही है कि बी और सी के दरमियान डिस्टेंस यानी बी से लेकर सी तक, दैट्स व्हाई आप लोगों ने उसी इक्वेशन में बी सी की जगह सी पुट कर दिया। अब मतलब हमारे लिए ये है कि हमें ये मालूम करना है कि एफ इंटू ए डैश क्या डिस्टेंस है। अगर आप देखें अगर ये चीज है सी बी, सी बी में से मुझे मालूम करना हो एफ ए डैश मालूम करना हो, तो मैं क्या करूंगी, एफ सी डी
ठीक है, अगर निकाल दो, जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो कि सी से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमारे पास एफ है, और एफ से आगे इस तरह से हमारे पास सी इंटू ए डैश है इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इनके ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का वो क्यों है। अब मुझे ये तो मालूम है कि इन दोनों के जो दरमियान का डिस्टेंस है वो एफ है, तो ये मालूम ये करना है, तो मैं यूँ कर सकती हूँ ना कि मैं क्यू में से अगर माइनस कर दूँ एफ, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो एफ इंटू ए डैश के बराबर है। लेट्स सपोज दिस इज नाउ सपोज कि ये आपके पास 10 रुपए हैं और ये आपके पास 4 रुपए हैं, आपको सिर्फ बाकी रुपए मालूम करने हो कि कितने बचते हैं, तो आप 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कि 6 आ जाएगा। इसी तरह मैंने क्यू में से एफ को माइनस कर दिया है तो मेरे पास एफ इंटू ए डैश आ गया। इसका मतलब है कि एफ इंटू ए डैश यानी एफ से लेके ए डैश तक के फासले में क्यू माइनस एफ पुट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ क्यू माइनस एफ तो मेरे पास फॉर्मूला बहुत ही आसान बन जाता है। अब अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ और इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास पी क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू माइनस पी एफ और यहाँ पे पी क्यू। और आपको ये भी मालूम है कि मैथ में जो काम हम एक 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 साइड से करते हैं वही काम हमें पूरी पूरी इंटू साइड से करना पड़ता है। अब पी क्यू हमें तो मालूम है कैंसिल हो जाएगा और सॉरी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ये हमारा एफ है तो मैं इसे एफ कहना चाहिए था ना, हम लोग किसी पी कर दी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये एफ है। एफ क्यू जो है हमारे एफ क्यू से कैंसिल हो जाएगा ये एफ, और इससे क्यू यहाँ पर हमारे पास जो बच जाता है वो हमारे पास 1/3 बच जाएगा। इस तरह से लिखा जाए यहाँ पर पी क्यू एफ, एक एफ कैंसिल और एक क्यू, यहाँ पर सिर्फ पी बच जाता है, यहाँ से पी क्यू पी क्यू से कैंसिल और पी एफ पी एफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1/3 इक्वल टू 1/f माइनस 1/q बचता है। अगर मैं इस 1/3 माइनस 1/q को यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो प्लस की फॉर्म में आ जाता है, 1/f इक्वल टू 1/3 प्लस 1/q। तो ये जो चीज़ है ये हमने कन्वेक्स लेंथ फॉर्मूला देखी है, इसके थ्रू हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ के बारे में भी। अगर हमें इमेज के गिवन है लेंथ वगैरह तो हम लोग ऑब्जेक्ट की लेंथ बता सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता सकते हैं, हम इमेज के डिस्टेंस बता सकते हैं, हम फोकल लेंथ बता सकते हैं, यानी इन तीनों टर्म में से अगर हमारे पास एक भी ना हो तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यही तो फायदा है हमें लेंथ फॉर्मूला निकालने का कि उससे हम ऑब्जेक्ट की इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं और उनकी फोकल लेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। सेम इसी वाला फॉर्मूला जो है हम लोग सिर्फ वेव लेंथ में भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वेव लेंथ के लिए बिल्कुल यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब कंकेव लेंथ रखा जाए तो ऑब्जेक्ट की जो लाइट यहाँ पर आके पॉइंट सी पर पड़ती है वो यहाँ पर पड़ने के साथ ही फैल जाती है, यानी कि डाइवर्ट हो जाती है विपरीत डायरेक्शन में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन को स्कैन करना पड़ता है एक लाइन को, और इस लाइन के साथ यानी कि ओ सी के साथ यहाँ पर आके जिस पॉइंट पर वो लाइन मैच कर जाए हमें वहाँ पर इमेज मिलता है। और कंकेव के केस में हमेशा हमारे पास विजुअल इमेज मिलता है, जिसकी वजह से इसके फॉर्मूले में बस थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, वो ये है कि इसके फॉर्मूले में क्यू के साथ माइनस साइन आता है, बस ये चीज है दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है कि कंकेव की सूरत में हर हाल में जो है विजुअल इमेज बनेगा, और उसकी रीजन ये है कि इससे लाइट जब पास होती है तो वो फैल जाती है और फैलने की वजह से हमें लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो इमेज बनता है यहाँ पर आकर वो विजुअल इमेज होती है। तो दोस्तों आपको काफी हद तक कंकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्यों निकालते हैं, ताकि हमें ऑब्जेक्ट का इमेज उनके जो इमेज है उसके डिस्टेंस के बारे में पता चल जाए, हमें फोकल लेंस के बारे में आइडिया हो जाए कि किसी चीज की फोकल लेंस कितनी है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग इन्हें वो कन्वेक्स या कंकेव लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला।